रेमो बहना के बारे में बताया था ना। ओ स्वीट हार्ट, मेरा एक बहन है कि पास आने से खुशियाँ दब जाती है, इसलिए दूरी मेंटेन रखती हूँ। पापा हाँ, रेमो बहना से मिलिए। हेलो रेमो। प्यारे प्यारे पापा। स्टॉप इट, लगता है ठरकी को गंदे गंदे आइडियाज आ रहे हैं, जल्दी से संस्कारी बन जाता हूँ। मेरे पापा तूफान में पतंग के साथ उड़ गए थे, ये सेम पापा जैसे दिखते हैं। वो भी शक्ल से भाजी वाले लगते थे, ऐसी कद्दू जैसी नाक थी। काव्या आओ बेटा अंदर आ जाओ। अरे चलिए मैं आती हूँ, जल्दी आना। तो बहना मेरा गिफ्ट कहाँ है? भूल तो नहीं गई ना? अरे बहना कहाँ, बहना यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ कौन सा गिफ्ट है? अकेले में गिफ्ट देना जरूरी था? ये मेरी तरफ से नहीं है, एक लड़के की तरफ से है, खास तुम्हारे लिए। उसने कहा तुम्हें अकेले में दूं, ये लो। लड़के ने भिजवाया है? देखो ना इसमें क्या है, खोलो ना डॉक्टर। ये गिफ्ट है? ये सीटी है, इसको ऐसे मुंह में, मतलब मुंह में रखते हैं और भूई बजाते हैं। अच्छा, मैं तो जानती ही नहीं थी। जानती हो ना, तो मारो फूक। मैं नहीं बजाऊंगी। बजा के तो देखो क्या होता है। किसने दिया ये गिफ्ट? क्या पता, मैं तो बीच की बिचौलन हूँ। उसने कहा ये गिफ्ट तुम्हें दे दूँ, तो मैं लेकर आ गई। मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता करना है तो खुद जाकर नीचे देख लो। ये तो फुल स्पीड में निकली। ओए सेल्फी, हैप्पी बर्थडे। आज तक लड़कियों से दूर भागता रहा और आज देखो तुम्हें ढूंढने में 27 साल लग गए, इसलिए इजहार करने में 27 सेकंड भी रुक नहीं सकता। तुमसे प्यार करता हूं, शादी करोगे? जवाब की कोई जल्दी नहीं है, दिल से हुज्जत कर लो, उसके बाद हाँ बोल देना।
लो भाई कार्ड्स छप कर आ गए। आरती लीजिए। केटरिंग वाले को 5 लाख एडवांस दे दिया। आजकल केटरिंग सर्विस बहुत महंगी हो गई है। मैं तो कहता हूँ कम है, कौन सी 2-4 बेटियां हैं हमारी। मैं तो कहती हूँ राज केटरिंग सर्विस ट्राई कीजिए, 1000 लोगों के खाने पर आइसक्रीम फ्री देते हैं। अब तुम भी छोड़ो ना, मैं एडवांस दे चुका हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ। जवाब की कोई जल्दी नहीं है, दिल से हुज्जत कर लो उसके बाद हाँ बोल देना। फॉरेन से जो गेस्ट आने वाले उन सबके टिकट्स भी करा दिए हैं। 1-2 दिन में ट्रैवल एजेंट आ जाएगा, मीटिंग कर लेंगे। एयरपोर्ट पिकअप भी तो अरेंज करना होगा। न्यूजीलैंड वाली बुआ जी भी आ जाती तो अच्छा होता। देखो बात तो की है, शायद आ जाए। एक बार फिर कॉल करता हूं। ज्यादा सोचोगी ना तो गाल पे पिंपल आ जाएंगे। जरा पता तो करूं इसके मन में चल क्या रहा है। कान पे तो लगाओ। तो आखिरकार इसे प्यार हो ही गया। ये तुम कैसे कह सकती हो, तुम्हारी आंखों में साफ साफ लिखा है। ऐसा क्या पढ़ लिया? 2.5 अक्षर प्रेम के उस सीटी वाले के लिए। उसकी डेयरिंग इस सगाई की रिंग पर भारी पड़ेगी। जाओ जाके अपना काम करो। बढ़िया ही मेरी आंखें पढ़ने वाली। नैंसी, काव्या आंटी की मंगनी टूटेगी या नहीं? टूटेगी अगर तुम मुझे अभी मैजिक दिखाओगी तो। सिद्धार्थ से तुम्हारी दोस्ती हुई क्या? अभी नहीं। हाँ, तो जब दोस्ती हो जाएगी तब जादू दिखाऊंगी। ओके। लो अब चेहरे पे भी साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें लवेरिया हो गया डॉक्टर। हेलो। हाँ, बोलने के लिए और कितना टाइम चाहिए? सुनो, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो शाम को बस में मिलते हैं। सवाल ही नहीं। तुम आओगी और हम मिलेंगे। बाय। हेलो हेलो। एक बात बोलना भूल गया, आई लव यू। आई लव यू। बस में आएगी या रिक्शा से जाएगी? हेड्स आ गया, इसका मतलब कि बस में आएगी। यस। किससे बात कर रही थी? अपने थके हुए शरीर से। दोनों मिलके स्पा का प्लान बना रहे हैं। वेरी गुड, एक काम करो मेरे साथ बस में चलो। बस में नहीं। नो नो नो, मुझे याद आया एक जरूरी काम करना है। ऐसा क्या काम है? क्या काम है वो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, सीरियल देखना है। कंचना भी कभी बहू थी। आज के एपिसोड में ना कंचना अपनी सास को रंगे हाथों पकड़ेगी वॉचमैन कांचा के साथ। नेपाल स्पेशल एपिसोड है। मेरी रसमलाई, देखो तुम नाराज मत होना, आज बस में आना मेरे बस में नहीं है। कल बस में होगा तो बस में आ जाऊंगी, फिर बस क्या। बहानेबाजी बंद करो और सीधा मेरे साथ चलो। आके सुई लगा दो। देखो मैं अगले स्टॉप पे उतरने वाली हूँ। इतनी क्या जल्दी है? क्योंकि टाइम लगेगा। स्टॉप आ गया, जाने दो ना, नहीं तो केबल का पैसा वेस्ट हो जाएगा। बस करो, बैठ जाओ। क्या करूं? ये तो मुझे ही ढूंढ रही है। वो देखो, वो देखो, कहाँ कहाँ? हाँ, चले चले चले। मस्त इमली वाली चटनी डलवा के लाती हो, मजे से खाएंगे, बहुत मजा आएगा। कड़ कहेंगी, यही बैठी रहो। ऊपर वाले प्लीज कोई चक्री घुमा ले। मेरी नस नस में और मैं चढ़ा हूँ तेरी बस में। इस पूरी बस में सिर्फ 2 ही चीज देखने लायक है, एक तो है ये गुलाब का फूल और दूसरी जो कहेगी कबूल। लेकिन उससे पहले मैं मर्द बनकर प्रपोज करूंगा। आई लव यू, मेरा ये नजराना ले लो और मेरे साथ नाइट मैच खेलो। तेरा विकेट टूट गया तो क्या हुआ? पहली बैटिंग मुझे करने देना। लेकिन बैटिंग ये क्यों करेगी? अरे ये तो T20 के मूड में आ गए। क्या कर
बैठकले की तरह तू। अरे जल्दी टैक्सी लेकर आ, मुसीबत में फंस गया हूं, कपड़े चाहिए, जल्दी आ जल्दी। शायद इसके दिल में कि मैं इसके पीछे दौड़ूं। जा डार्ली, मेरी दोपहर की डोज तो दे दे। अरे पतली गली में घुस गई, मैं कैसे घुसूंगा? एक्सक्यूज मी, टिंग टोंग टिंग टोंग एम्बुलेंस। ये जंगली भालू पीछा के नहीं छोड़ता। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। ए अरे ए औरत छेड़ता है, आज खाओगी तेरी तो। रुक, तुझे लौकी खिलाती हूं। दशहरे में होली मना रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। इधर आ बिनो, जल्दी कार में आ जा। अरे फिर से निकल गई। एक ना एक दिन तेरे दिल की सर्जरी करके रहूंगा। बस मैं वो नहीं छोड़ रही थी और बस के बाहर ये नहीं छोड़ रहा था। चलो कपड़े बदलता हूँ। सुंदरी, कार में ड्रेस चेंज करोगी? अबे टक ले, खाली गले तक ही लड़की हूँ, उसके बाद नक्शा सेम है, आगे देख। मुश्किल है पर कोशिश करता हूँ। अबे रुका क्यों है? देर हो रही है, लाल सिग्नल है। तो तू बेटर, मैं आया। ए, क्या कर रहा है? तेरे मुंह पे अच्छा नहीं लग रहा। ओए सेल्फी। तो बताओ कब शादी करनी है? कहीं और जाकर बैठो। कहीं और जाकर बैठा तो शादी कर लोगी? रुको रुको। बड़ी जिद्दी है। ठीक है, कार्ड कब छपवाने? इतनी बड़ी दुनिया है, मुझ में ऐसा क्या दिखा तुम्हें कि तुम मेरे पीछे पड़ गए? तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खामियां मुझे कभी नजर ही नहीं आती हैं। और तुम भी तो बिना सोचे समझे बस में चली आई। मेरी कितनी बात मानती हो। और तुमसे शादी के बाद ना मेरा खर्चा भी कम होगा, क्योंकि तुम कम मेकअप में भी बहुत अच्छी लगती हो।